मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय एक। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा से फिरिस, और यहूदा और तामार से जोरह उत्पन्न हुए, फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, और हिस्रोन से राम उत्पन्न हुआ, राम से अम्मी नादाब उत्पन्न हुआ, और अम्मी नादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और राहब से बोज उत्पन्न हुआ, बोज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरियाह की पत्नी थी, सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, और रहबाम से अबियाह उत्पन्न हुआ, और अबियाह से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, और यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ, और योराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ, उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ, और योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, और आहाज से हिजकियाह उत्पन्न हुआ, हिजकियाह से मनश्शिह उत्पन्न हुआ, और मनश्शिह से आमोन उत्पन्न हुआ, और आमोन से योशियाह उत्पन्न हुआ, और बंदी होकर बाबुल जाने के समय में योशियाह से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बाबुल पहुंचाए जाने के बाद यकुन्याह से शालतियेल उत्पन्न हुआ, और शालतियेल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ, जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, और अबीहूद से इल्याकीम उत्पन्न हुआ, और इल्याकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, और सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ, और अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ, इलीहूद से इलियाजार उत्पन्न हुआ, और इलियाजार से मत्तान उत्पन्न हुआ, और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके घर में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो, कि देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है, परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास न गया, और उसने उसका नाम
यीशु रखा।